हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप कोई कुर्ती या कुर्ता सेट अगर मार्केट से लेते हैं तो वो यहाँ से अगर टाइट हो, कई बार वो टाइट होता है, अगर उसकी स्ट्रेट स्लीव हो, अगर लूज़र हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर स्ट्रेट स्लीव्स हो तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ से जो स्लीव है वो टाइट हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी उसके सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर कुर्ती आपको टाइट है तो आपको ये जो शोल्डर लाइन होती है, जहाँ से आपकी स्लीव्स और शोल्डर जो है, देखिए इसी ये है, आपके यहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं, इसको आप रिमूव कर लीजिए। और अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद करती हैं तो आप इसे स्लीवलेस कर सकती हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको स्लीव्स को रिमूव करना है, इससे सेपरेट करना है, और उसके बाद उसे अंदर थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते जाइए। जो ये आपके आर्म होल है, इसको थोड़ा थोड़ा आपने अंदर फोल्ड करना है, और आप चाहे तो इसे मशीन से सिलाई लगा लीजिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है या आपको चलानी नहीं आती है तो आप नीडल थ्रेड से, सुई धागे से भी इसको हेम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपका सोल्यूशन ये हो गया कि आप इसे स्लीवलेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं करते हैं या आप इसे स्लीव्स रखना चाहती हैं, तो चलिए बताती हूँ मैं करके कि आप किस तरह से कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो बेटी की कुर्ती जिसकी स्लीव्स इसको यहाँ से टाइट है, आप देख सकते हैं इस पर थोड़े से इस तरह से रिंकल्स हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, और इस तरफ भी हैं, ये देखिए। तो जिससे हो रहा है कि ये यहाँ से जो है कुर्ती टाइट है। रेडीमेड कुर्तीज़ हैं ना, वो यहाँ से टाइट होती हैं, मोस्टली हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी होती हैं, लेकिन जिनकी स्लीव्स इस तरह से स्ट्रेट हो ना, तो ये देखिए इस तरह से रिंकल्स आते हैं वहाँ पे जहाँ से टाइट होती है ना, तो इस तरह ये कुर्ती जो है मेरी बेटी को यहाँ से उसकी स्लीव टाइट है। तो और इसके साथ देखिए फैब्रिक भी अंदर इतना नहीं होता है, और इसकी लेंथ भी जो है वो ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है कि मैं नीचे से लेंथ कट कर लूँ और डाल दूँ। तो चलिए देखते हैं ऐसी इस तरह की जो स्लीव्स हों उसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे आयरन कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से कटिंग करते हुए हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब ना हो और उल्टा सीधा नहीं कटे, इस तरह से हमारी कटिंग सीधी होगी। पहले मैंने आयरन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो रिंकल्स पड़े हुए थे वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि स्लीव जो है वो यहाँ से टाइट है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम स्लीव को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उस पर निशान लगाएंगे कि हमें स्लीव्स जो है वो लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं रख रही हूँ 6 इंच, क्योंकि 5.5 इंच मुझे स्लीव को रेडी रखना है। 1/2 इंच जो फोल्ड करने के लिए फैब्रिक है हम वो लेंगे, तो वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी को हम सीधा इसी तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए निशान हमारा लग गया है, ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। देखिए आयरन करने से ये होता है कि ये बिल्कुल एक सार कटी है, अगर मैं इसे आयरन नहीं करती तो ये कहीं इधर से ज़्यादा कम ऐसे कट सकती थी। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब फैब्रिक आ गया है। अब इसके बाद ये कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं निशान लगा देती हूँ, सॉरी, आप यहाँ से लेके और इधर भी 1/2, ज़्यादा स्टिचिंग पूरी खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतनी ही हम इसको जो है, देखिए इधर भी मैंने निशान लगा दिया है और इधर निशान लगा दिया है, अंदाजे से, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतने इंच पे ही आपको खोलना है, आप इतना 1/2 तक खोल सकते हैं। तो ये जो है हमें अब ये इसको सेपरेट कर लेना है स्लीव को। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि आप किस तरह से स्लीव कट करनी है, फिर कैसे करना है, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था जैसे, तो ये मैंने रिमूव कर लिए हैं सीम्स, ये देखिए मैंने इस तरह से स्लीव को खोल लिया है। ये जो हमारी फिटिंग सीम होती है उसे भी मैंने ये थोड़ा सा ही उसको निकालना है सिलाई को, ये देखिए जैसे इतना सा बस निकालना है, तो इतना सा मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है चलिए बता देती हूँ। देखिए मैंने स्लीव में से ये 2 पीस जो हैं फैब्रिक के कट कर लिए हैं, अब इन्हें हम जो स्लीव है हमारी इस पे इस तरह से, ये जो 2 फैब्रिक हैं इन्हें हम इस तरह से, ये जो हमारी स्लीव है ना, ये
ये देखिए ये हमारी स्लीव है, तो स्लीव के ये वाला जो पार्ट है शोल्डर से जुड़ा हुआ, ये यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारी स्लीव है जहाँ से हमने ये देखिए सिलाई को रिमूव किया था ना, सिलाई को निकाला था यहाँ से, तो यहाँ पे ही हम अब इस फैब्रिक को जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इस फैब्रिक को यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ, ये आधा इंच के करीब ही लूज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं फिर इसे सीम लगा लूँगी। ठीक है, पहले मैं स्टिचिंग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फैब्रिक को हमने जोड़ लिया है दोनों तरफ, इस तरह से हमने फैब्रिक को जोड़ना है। देखिए प्रिंट का आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से प्रिंट होगा उसी तरह से आपको फैब्रिक को जोड़ना है। तो मेरी पत्तियां जैसे सीधी थी तो मैंने उसी तरह से फैब्रिक जोड़ा है इसमें। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से बिछा लेंगे। और ये देखिए जो हमने स्लीव में फैब्रिक एक्स्ट्रा डाला है तो वो तो हमारी बाजू तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा शोल्डर तो उतना ही है। तो हम शोल्डर को भी जैसे हमने आधा इंच को उसको लूज़ करना है, उसकी सिलाई लगानी है, तो जो शोल्डर है देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप आधा इंच का मार्जिन लेके उसे कट कर देंगे, आधा इंच पर निशान लगा कर उसे कट करेंगे। चलिए अब दोनों शोल्डर को हमने इस तरह से इकट्ठा रख लिया है और उसके बाद हमने कटिंग कर दी है, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए अब हम जो आर्म होल हैं इनको स्टिच कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए जो फिटिंग लाइन देते हुए फिर हम स्लीव पे भी निशान लगा लेंगे। और स्लीव जो है मैं 5.5 इंच का रख रही हूँ, और जो स्लीव के आगे हमने जहाँ से कटिंग की थी उस पर भी हम मशीन की सिलाई लगा के हम उसे भी हेम कर लेंगे, उस पर भी फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको मैं स्टिचिंग लगा कर सारी। सो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने जो स्टिचिंग जॉइंट लगाया था वो हमारा है, ये देखिए देख सकते हैं 1 इंच हमारा बढ़ गया है, और मैंने फ्रंट से भी हेम कर लिया है। ये देखिए मैंने छोटा छोटा ही फोल्ड किया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और आइडिया है जो मैं नेक्स्ट आपको दे रही हूँ, तो वीडियो को आगे भी देखिए, वीडियो भी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप नेक्स्ट आइडिया भी देखिए। देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो ये है कि अगर आपकी स्लीव्स को आप लॉन्ग ही रखना चाहते हैं और ये आपको यहाँ से टाइट है, जैसे ये वाली स्लीव भी मुझे टाइट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम, लेकिन हमें स्लीव को पूरा रिमूव अलग करना पड़ेगा, यहाँ से पहले आप स्लीव को सेपरेट कर लीजिए और यहाँ से बीच में कट कर दीजिए। कट करने के बाद हम स्लीव में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, आप चाहे तो मैचिंग दुपट्टा का अगर आपके पास फैब्रिक है आप वो इंसर्ट कर सकती हैं। देखिए मैं साथ में पिक्स लगा देती हूँ, आप उस हिसाब से इसमें लगा सकते हैं, यहाँ साइड पे आपको पिक्स दिखाई दे रही होंगी, आप इस हिसाब से अपने डिज़ाइन को अपनी मतलब स्लीव जो है आपको उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगाते हैं जैसे लेस ऐड करते हैं या दुपट्टा या कोई भी डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं तो जो आपकी स्लीव की गोलाई है वो बढ़ जाती है, और ये चीज़ जो आपके शोल्डर की ये होती है ये देखिए ये आपकी इतनी ही रहेगी। तो इसके लिए मैंने आपको जो पहले आइडिया बताया था ना कि आपको थोड़ा सा नीचे से यहाँ से इस तरह से कट कर देना है, तो आप उसी तरह से कट कीजिए और स्लीव को ऐड कर दीजिए। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।